आज हम जानेंगे मानव का विकास कैसे हुआ, वानर में से मानव कैसे बने। दोस्तों मैं हूं मयूर, आइए देखते हैं मंकी से होमो सेपियंस का सफर। आप सब जानते ही होंगे कि मानव विकास के बारे में महत्वपूर्ण संशोधन चार्ल्स डार्विन ने किया है और उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दी है, जो इवोल्यूशन के रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है डिसेंट ऑफ मैन, और उस बुक में उन्होंने जिक्र किया था कि मानव वानर में से बने हैं, नहीं कि बंदर में से, और वो भी अलग प्रकार के वानर जिसे मानवकार कपी नाम दिया गया। मानवकार कपी यानी कि ऐसे वानर जिनका क्रमबद्ध विकास होकर मानव बना। ये जो संशोधन है वो कोई एक दो साल की बात नहीं है, पूरे 200 साल के रिसर्च के मुताबिक ये जान पाए हैं कि मनुष्य वानर में से बना है। मानवकार कपियों तथा मनुष्य के बीच में एक बड़ी खाई है जिसे लुप्त जीवाश्मों की खोज करके ही समझा जा सकता है। वैज्ञानिक लुप्त जीवाश्मों की खोज करते रहे, जीवाश्मों की कड़ी ढूंढते रहे और क्रमबद्ध विकास वाले जीवाश्मों उनको मिलते भी रहे। उस जीवाश्मों की उम्र तय करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल किया और उसके अलावा कई सारी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके जीवाश्मों की उम्र तय कर दी गई। आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस हम जिसे बोलते हैं, उसका उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में हुआ था, लेकिन नई खोज के मुताबिक 3 लाख साल पहले ही होमो सेपियंस के उत्तर अफ्रीका में विकास के सबूत मौजूद है। यहाँ पर भूवैज्ञानिक कल्पों की सारणी दी गई है। वानर में से मानव का विकास आज से पिछले 700 लाख साल पहले से अब तक होता जा रहा है, यानी कि कल्पों की सारणी के अनुसार वानर में से मानव का विकास आदि नूतन कल्प से अत्यंत नूतन कल्प के बीच में हुआ है। अब जानते हैं क्रमबद्ध विकास के बारे में। एक टार्सियर क्रिटेशियस कल्प लास्टिंग फ्रॉम 145 मिलियन ईयर्स टू 66 मिलियन ईयर्स एगो। इस क्रिटेशियस कल्प में टार्सियर जैसे जीवों का विकास हुआ। आज से 66 मिलियन साल पहले वानर नहीं थे, वानर का विकास टार्सियर जैसे जीवों में से हुआ ऐसा माना जाता है। दो प्लेटिराइन और कैटराइन लास्टिंग फ्रॉम 56 मिलियन ईयर्स टू 33.9 मिलियन ईयर्स एगो। इस आदि नूतन कल्प के बाद प्लेटिराइन और कैटराइन जैसे वानर का विकास हुआ। आदि नूतन कल्प के बाद प्राइमेटों का विकास पृथ्वी के 2 भागों में विभक्त हो गया। नवीन संसार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में प्लेटिराइन यानी कि चपटी नाक वाले वानर का विकास हुआ और प्राचीन संसार अफ्रीका और एशिया में कैटराइन यानी कि ऊपरी और निचले रंध्र युक्त नाक वाले मानवकार कपी का विकास हुआ। 3 पैरापिथिकस लास्टिंग फ्रॉम 33.9 मिलियन टू 23 मिलियन ईयर्स एगो। इस अल्प नूतन कल्प में पैरापिथिकस वानर का विकास हुआ। इस जीव का पता मिस्र में प्राप्त अल्प नूतन कल्प के केवल जबड़ों द्वारा ही लगा है, यद्यपि इसका दंत सूत्र आधुनिक मानवकार कपियों के समान था, तथापि जबड़े की बनावट अभी भी टार्सियर जैसी ही थी, इसलिए टार्सियर को पैरापिथिकस का पूर्वज माना जाता है। 4 प्रोप्लियोपिथिकस अल्प नूतन कल्प लास्टिंग फ्रॉम 33.9 मिलियन टू 23 मिलियन ईयर्स एगो। इस अल्प नूतन कल्प में प्रोप्लियोपिथिकस वानर का विकास हुआ। प्रोप्लियोपिथिकस का जीवाश्म मिस्र में अल्प नूतन युग से प्राप्त हुई एक जबड़े से ही लगा है। यह मानवकाल कपी छोटे गिब्बन के बराबर था और मानवकाल की दिशा में पैरापिथिकस से एक कदम आगे था। यद्यपि उपयुक्त दोनों जीवाश्म केवल जबड़ों के रूप में ही होने के कारण मानव विकास पर अधिक प्रकाश नहीं डालते, फिर भी उनसे निम्नलिखित 2 बातों का बोध अवश्य होता है। 1 अल्प नूतन युग जैसे पुरातन काल में ही मानवकाल कपी उपस्थित थे। 2 मानवकाल कपी का विकास टार्सियर जैसे प्राइमेट से बिना गुजरे ही हुआ है। 5 ड्रायोपिथिकस मध्य नूतन कल्प लास्टिंग फ्रॉम 23.03 मिलियन ईयर्स टू 5.3 मिलियन ईयर्स एगो। इस मध्य नूतन कल्प में ड्रायोपिथिकस मानवकार कपी का विकास हुआ।
ड्रायोपिथिकस के मध्य नूतन युगीन जीवाश्म प्राचीन संसार यानी कि अफ्रीका और एशिया के कई भागों में प्राप्त हुए हैं। इसके चवर्णक यानी कि दांत के धरातल की प्रतिकृति गिब्बन, बृहत्कपि और मनुष्य में भी पाई जाती है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ड्रायोपिथिकस संभवतः मनुष्य सहित सभी मानवकार कपियों के सामान्य पूर्वज थे। 6. लिम्नोपिथिकस मध्य नूतन कल्प लास्टिंग फ्रॉम 23.03 मिलियन ईयर्स टू 5.3 मिलियन ईयर्स एगो। इस मध्य नूतन कल्प में लिम्नोपिथिकस मानवकार कपि का विकास हुआ। पूर्व अफ्रीका के मध्य नूतन युगीन स्तरों में से पाया गया ये जीवाश्म वर्तमान गिब्बन से काफी मिलता जुलता है। गिब्बन की भांति इसके रदनक दांत लंबे थे और बाहु यद्यपि अपेक्षाकृत छोटे थे, फिर भी वानरों के अनुपात में लंबे थे, अतएव इन्हें वानर और मानवकार कपि के बीच का कहा जा सकता है। 7. प्राकोंसल मध्य नूतन कल्प लास्टिंग फ्रॉम 23.03 मिलियन टू 5.3 मिलियन ईयर्स एगो। इस मध्य नूतन कल्प में प्राकोंसल मानवकार कपि का विकास हुआ। प्राकोंसल का जीवाश्म किन्या अफ्रीका में प्रारंभिक मध्य नूतन युग के स्तरों से प्राप्त किया गया। इनका मुख वानरों के जैसा परंतु दंत प्रतिकृति मानवकार कपियों के जैसी थी। नितंबास्थियों से इनके थलगामी होने का भास होता है। उनकी वृक्षवासी होने की संभावना कम है। संभवतः ये वन मानुष और गोरिल्ला के पूर्वज रहे होंगे। मध्य नूतन युग के कपियों में केवल ड्रायोपिथिकस को ही मानव विकास की दिशा की ओर अग्रेसर कहा जा सकता है, क्योंकि इसके दांतों के दत्रांगों का प्रतिस्वरूप वर्तमान मनुष्य से नहीं लेकिन पूर्वज मनुष्य के पूर्वज मानवकार कपि गोरिल्ला और चिंपांजी में पाए जाते हैं। 8. ओरियोपिथिकस अति नूतन कल्प लास्टिंग फ्रॉम 5.333 मिलियन ईयर्स टू 2.58 मिलियन ईयर्स एगो। इस अति नूतन कल्प में ओरियोपिथिकस मानवकार कपि का विकास हुआ। ओरियोपिथिकस का जीवाश्म इटली में टस्कनी की कोयले की खानों में अति नूतन युगीन स्तरों में से प्राप्त किया गया है। इसका छोटा मुंह, रासमान रत्नक तथा जबड़ों का आकार वानरों से दूर और मानवकार कपियों के समीप था। अपने दांतों की बनावट में यह स्वयं मनुष्य के समान था। यद्यपि इसकी नितंबास्थीय वानर के समान थी, तथापि मेरुदंड की अग्रिम कशेरुकाओं की बनावट से इसके खड़े होकर चलने का संकेत मिलता है। अतएव यदि उपयुक्त अनुमान सही है तो हमें ओरियोपिथिकस में नूतन जीव महाकल्प में प्रारंभिक मानव का प्रथम दर्शन मिलता है। 9. ऑस्ट्रेलोपिथिकस अत्यंत नूतन कल्प लास्टिंग फ्रॉम 2.58 मिलियन ईयर्स टू 11,700 ईयर्स एगो। इस अत्यंत नूतन कल्प में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम के मानवकार कपि का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का अर्थ है दक्षिण में पाया जाने वाला कपि। उसका ऑस्ट्रेलिया देश से कोई संबंध नहीं है। आद्य मानव के सभी जीवाश्म अत्यंत नूतन युग से प्राप्त किए गए हैं, अतएव इसे मानव विकास का युग कहा जाता है। यहाँ तक कि इसके कुछ लक्षण मनुष्य से मिलते हैं। उदाहरणतः खोपड़ी की मेरुदंड पर अग्रिम स्थिति, उसके खड़े होकर चलने का दोतक, ललाट का गोलाकार होना, जबड़े की आकृति, कृतंकों का छोटा तथा कम नुकीला होना, कुल्ले की इलियम नामक अस्थि का चौड़ा होना, अन्य बहुत से गुणों में ऑस्ट्रेलोपिथिकस मनुष्य के इतने निकट था कि उसे मानव परिवार होमिनिडी में समाविष्ट करना स्वाभाविक हो जाता है। उसके कपाल गुहा की आयतन 600 घन सेंटीमीटर थी, जिससे माना जाता है कि उसमें विशद विचार रखने के गुण थे। फिर भी माना जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस जिस युग में था उस युग में उससे अधिक बुद्धिशाली मानव उपस्थित थे। 10. होमो हैबिलिस अत्यंत नूतन कल्प लास्टिंग फ्रॉम 2.58 मिलियन ईयर्स टू 11,700 ईयर्स एगो। पूर्वी अफ्रीका के टेंगेनिका स्थान से होमो हैबिलिस नामक कुछ विकसित मानव आकृति का जीवाश्म प्राप्त हुआ। इस मानव की लंबाई 4 फुट और हाथ अधिक विकसित थे, जो उपकरण और झोंपड़ी बना सकने की उसकी क्षमता की ओर संकेत करते हैं।
उसकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 780 घन सेंटीमीटर था, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से अधिक था। 11. पिथिकेंथ्रोपस अत्यंत नूतनकल लास्टिंग फ्रॉम 2.58 मिलियन ईयर्स टू 11,700 ईयर्स एगो, इसे जावा का मानव माना जाता है। यूजिन डुब्बा नामक साइंटिस्ट को अपने विद्यार्थी काल से ही यह विश्वास था कि मनुष्य का जन्म स्थान एशिया में संभवतः जावा में था। अपनी धारणा की पुष्टि करने के लिए वे जावा गए और वहां के अत्यंत नवीन युगीन की चट्टानों से कुछ अस्थियां प्राप्त की। इस जीवाश्म की कपाल गुहा 900 घन सेंटीमीटर थी, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से अधिक और मनुष्य से कुछ ही कम थी। जांघ की हड्डी से इसके सीधे होकर चलने का भी आभास होता है। 12. साइनेंथ्रोपस अत्यंत नूतन कल लास्टिंग फ्रॉम 2.58 मिलियन ईयर्स टू 11,700 ईयर्स एगो, इसे चीन का मानव माना जाता है। चीन के मानव की अत्यधिक समानता साइनेंथ्रोपस से मिलती है। इस मानव की कपाल गुहा आयतन 900 से 1300 घन सेंटीमीटर की थी, जो मनुष्य के समान थी, तथा इसके जीवाश्मों के साथ पत्थर के कुछ औजार प्राप्त हुए, आसपास कोयले के कण प्राप्त हुए। ये सब सबूत की वजह से यह माना जाता है कि साइनेंथ्रोपस अग्नि प्रयोग और उद्योग में कुशल थे और मांस पक्षी थे। 13. हाइडेलबर्ग मानव अत्यंत नूतन कल्प लास्टिंग फ्रॉम 2.58 मिलियन टू 11,700 ईयर्स एगो, सन 1907 में जर्मनी में हाइडेलबर्ग नामक स्थान में अत्यंत नूतन युग के प्रारंभिक स्तरों से एक जबड़ा प्राप्त हुआ, जिसके दांत वर्तमान मनुष्य के समान थे। अतः स्पष्ट है कि यह पूर्णतः मनुष्य नहीं बन पाया था। 14. स्वांसकॉम्ब मानव सन 1935 में इंग्लैंड के स्वांसकॉम्ब नामक स्थान में से मानव कपाल की भित्ति कास्ते की दो हड्डियां प्राप्त हुई। यद्यपि इन अस्थियों की मोटाई मनुष्य की भित्ति कास्ते से अधिक थी, तथापि कपाल गुहा का आयतन लगभग 1300 घन सेंटीमीटर मनुष्य के समान था। गुहा के सांचे से यह भी अनुमान लगता है कि मस्तिष्क के धरातल का परिवलन भी बहुत कुछ मनुष्य के जैसा ही था। 15. स्टेनहाइम मानव अत्यंत नूतन कल्प लास्टिंग फ्रॉम 2.58 मिलियन टू 11,700 ईयर्स एगो, सन 1933 में जर्मनी के स्टेनहाइम नामक स्थान में से एक पूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई, जिसका काल स्वांसकॉम्ब मानव के समान था। स्टेनहाइम मानव की रचना पिथिकेंथ्रोपस और मनुष्य के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसका कपाल गुहा का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर और भौंकी अस्थि घटित तथा जबड़े बहुत कुछ मनुष्य के जैसे ही थे। 16. नियंडरथल मानव अत्यंत नूतन कल लास्टिंग फ्रॉम 2.58 मिलियन ईयर्स टू 11,700 ईयर्स एगो, सन 1856 में जोहेन कार्ल फिलरोटे नामक स्थान में मानव जीवाश्म प्राप्त हुए, जिसे नियंडरथल मानव का नाम दिया गया। बाद में लगभग 100 ऐसे ही जीवाश्म फ्रांस, बेल्जियम, इटली, रोडेजिया, मध्य एशिया, चीन और जापान में मिले। लेकिन नियंडरथल मानव के कुछ लक्षण ऐसे भी थे जो आधुनिक मानव से नहीं मिलते हैं, जैसे कपाल गुहा का आयतन 1600 घन सेंटीमीटर यानी कि मनुष्य से अधिक था, फिर भी इसमें मनुष्य के कई गुण थे। नियंडरथल मानव को मनुष्य विकास की मुख्य शाखा की केवल उद्भ्रांत उपशाखा ही मान सकते हैं। अंतिम हिम युग में इस मानव के अवशेषों का न मिलना यह संकेत करता है कि मनुष्य के आगमन पर या तो ये नष्ट कर दिए गए या मनुष्य के साथ संकरण करके उसमें विलीन हो गए। 17. क्रोमैग्नोन मानव इसे आधुनिक मानव माना जाता है। दक्षिणी फ्रांस में क्रोमैग्नोन नामक स्थान में से वर्तमान मनुष्य के निकटतम पूर्वजों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इनकी अस्थियों से इनके लंबे, सुडौल, सुदृढ़ और बुद्धिमान होने का आभास होता है। चित्रकला में उनकी काफी सारी उन्नति थी। 18. होमोसेपियंस होमोसेपियंस की प्रजाति का अनुमान आज से 200,000 साल से 300,000 साल पहले का माना जाता है। यह माना जाता है कि 130,000 साल पहले दक्षिणी अफ्रीका में अन्य समकालीन आबादी मौजूद थी, और अध्ययन के अनुसार होमोसेपियंस के विस्तार की पहली लहर की उत्पत्ति लगभग
130,000 साल पहले नामीबिया और अंगीला के तटीय सीमा के निकट दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। आधुनिक और पुरातन आबादी के बीच चल रहे संकरण की खोज ने होमो सेपियंस की उम्र और पुरानी कर दी। 2017 के नवीन संशोधन से मालूम पड़ता है कि आज से 350,000 साल पहले खुईसेन पश्चिम अफ्रीका में आबादी बहुत ही बढ़ गई थी। 2017 में 300,000 साल पहले के होमो सेपियंस के जीवाश्म पत्थर के औजारों के साथ जिबिर इरहाद मोरक्को में पाए गए होमो सेपियंस 160,000 साल पहले इडुटलू इथियोपिया में मध्य अवस्थल पर रहते थे। मानव मस्तिष्क शरीर की साइज के सापेक्ष सभी कशेरुकाओं के साथ बड़ा है। मानव मस्तिष्क का वजन 1500 किलोग्राम है। मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स है। ये सब लक्षणों की वजह से इंसान का दिमाग सभी जीवों से ज्यादा बुद्धिशाली है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही लाइफ इंस्पिरेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और मैं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।